सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कबीर दास जी के द्वारा रचित दूसरी साखी, जो कि इस प्रकार से है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। और इस साखी की हम आपको सरल व्याख्या बताएंगे, इसका संदर्भ बताएंगे कि आप संदर्भ कैसे लिखें और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखें। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने कबीर दास जी की पहली साखी सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, इस साखी का संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य हमने वीडियो में बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी से बेहतर तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साखी के प्रथम दो शब्द और लास्ट के दो शब्द इस तरह से लिख देने हैं, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। फिर आपको हेडिंग डालना है, संदर्भ, और संदर्भ लिखने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक कविता से उद्धृत है या साखी से अवतरित की गई है, जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, गुरु ने मुझे क्या दिया है, राम का नाम दिया है, और उसके बदले में मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं उन्हें क्या दे दूं, क्या ले गुरु संतोष ये, मैं उन्हें क्या दे दूं जिसे लेकर उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो या मुझे संतुष्टि प्राप्त हो कि मैंने राम नाम के बदले में गुरु को बहुत ही अच्छी चीज भेंट की है, हौस रही मन माहि, और यही कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन के भीतर ही रह जाती है कि मैं गुरु को क्या देकर उन्हें संतुष्ट कर दूं। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या लिखने का सबसे आसान तरीका, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। इसकी व्याख्या हो जाएगी, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, गुरु ने मुझे क्या दिया है, राम नाम दिया है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, और उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है, और गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं या गुरु को मैं क्या दे दूं जिन्हें उन्हें संतुष्टि मिल जाए और मुझे भी संतुष्टि मिल जाए, हौस रही मन माहि, और यही कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है कि मैं गुरु को क्या देकर उन्हें संतुष्ट करूं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा या काव्यगत सौंदर्य आपको क्या लिखना है, तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको सबसे पहला बिंदु लिखना है भाषा। इस साखी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है, और दूसरा बिंदु है रस। तो इस साखी में कौन सा रस है, शांत रस है, और तीसरा बिंदु है छंद। तो यह जो साखी है किस छंद में लिखी गई है,
या इसमें कौन सा छंद या किस छंद का लक्षण नजर आ रहा है, तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। और इस शाखी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इस शाखी का संदर्भ आसान तरीके से लिख सकते हैं, व्याख्या भी आसानी से आपको याद भी हो जाएगी जब आप इसे अपनी नोट्स में उतारेंगे, और काव्यगत सौंदर्य भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको इसी चैनल पर कबीर दास जी की जितनी भी शाखियां हैं इन सभी का संदर्भ, व्याख्या और साथ ही काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। और जितने भी आपके हिंदी विषय के पद्य खंड और गद्य खंड के चैप्टर हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो भी आपको यहां पर उपलब्ध होते रहेंगे, और जीवन परिचय से भी संबंधित वीडियो, हिंदी व्याकरण से भी संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है और फ्री PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए, जो कि मेरी हैंडराइटिंग में होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फ्री PDF नोट्स भी प्राप्त करते रहें और अपनी नोट्स तैयार करते रहें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।